हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे कि सर ये बताइए सबसे पहले तो कि यूपी की आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, 6 तारीख से सुना था, आज 14 तारीख हो गई है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, कब स्टार्ट होगी? तो पहले तो मैं बता दूँ, जो भी आपने 6 तारीख से सुन रखी थी वो पहली बात तो गलत थी। उन्होंने बोला था कि हर स्टेट को 6 तारीख से 18 सितंबर के बीच में अपनी जो आयुष की काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको जारी कर देना है। तो पहली बात तो इंतज़ार करिए 18 तारीख तक का, 18 के पहले पहले डेफिनेटली आयुष का शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग भले ही 19 या 20 तारीख से स्टार्ट हो लेकिन 18 के पहले आपका शेड्यूल आ जाएगा, तो इसकी चिंता ना करें। उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने पास बनवा कर रख लें। अब कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट हैं जो लगने हैं, इन सब की हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो आपने पहले देख रखा हो, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनके फादर या ग्रैंडफादर या मदर कहीं ना कहीं किसी आर्मी में, एयरफोर्स में, किसी भी ऐसे जॉब में थे जहां से रिजर्वेशन मिल सकता है, या फिर बच्चे ने खुद एनसीसी का कोर्स किया हो 9th या 10th में, 11th 12th में, किसी भी क्लास में, तो उसके पास अगर सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट अभी हम लोग बात करेंगे, तो उसे भी रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को। सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों ने खुद प्रॉस्पेक्टस देखा है आयुष काउंसलिंग में वेबसाइट पे जा करके, तो इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि मुझे लगता है शायद किसी के फादर लेखपाल हैं तो वही बता पाएंगे कि ये क्या क्या मांग रहा है। एक बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, गूगल पे भी टाइप करेगा तो भूल जाएगा क्या शब्द था। चलिए उस हिंदी को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं और डिस्क्राइब करता हूं मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी की आयुष काउंसलिंग 2024 ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, अब एक चीज, सबसे पहली चीज मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो लोग भी बच्चे प्री बुकिंग करा करके बैठे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि हमें तो ये कॉलेज अलॉट हो गया, तो ये मत सोचना कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने सिर्फ प्री बुकिंग कराया है। चांसेस ये भी हैं कि जिस कॉलेज के लिए प्री बुकिंग कराया है वो आपको ना मिले, और वो जिसके थ्रू आपने प्री बुकिंग कराया है वो आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट कर दे। जो बच्चा भी ऐसा हो तो मुझे मैसेज जरूर करना, और ऐसे होंगे भी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपके प्री बुकिंग के हिसाब से नहीं, मेरिट के हिसाब से ये काउंसलिंग होती है। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे पहले उससे कॉलेज मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता प्री बुकिंग उसने कराई है या नहीं कराई। ठीक है, नीट यूजी 2024 प्रॉस्पेक्टस, या कुछ लोग ब्रोशर भी बोलते हैं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है आपको ईजिली समझाने के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब डेफिनेटली इतने सारे पॉइंट से बोर्ड पे तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको अपनी एक डायरी में लिखा हुआ है। अगर ये डायरी का पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर ले, मैं वहां पे ये डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, आप चाहें तो खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूं, दैट इज www.upiuscounseling.upsdc.gov.in। समझ गए, www.upiuscounseling.upsdc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, कब कौन सी डेट आने वाली है ये पता चल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं करना है, इसलिए इस वेबसाइट को याद रखना या नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे आपको आयुष के जितने भी कोर्सेस हैं, आयुष का मतलब ही होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, तो मोस्टली आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी के लिए आपको यहाँ पर सारा प्रोस्पेक्टस मिलता है। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ बीएमएस के लिए। कोई बच्चा अगर होम्योपैथी का है या यूनानी का है तो प्लीज़ ये वीडियो हो सकता है उसके काम ना आए, ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहने हैं। तो मैं बेसिकली बात करूंगा आयुर्वेदा की, कॉलेजेस वगैरह भी जो बताऊंगा वो आयुर्वेदा के होंगे, तो कोशिश यही करना कि आयुर्वेदा का बच्चा जो हो वही देख रहा हो।
सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने दिया है, कुछ 14 पॉइंट दे रखे हैं, 14 ही हैं या गलत बता दे रहा हूँ, बच्चे कमेंट करने लगते हैं। तो पहले पॉइंट से कुल टोटल 14 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ही यही दिया है प्रॉस्पेक्टस में कि बीएमएस काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी है मैं उस शुद्ध हिंदी में नहीं बात करूंगा, मैं कॉमन जो इंग्लिश लैंग्वेज हम और आप समझ सकते हैं उसी पे बात करूंगा, बाकी आप ऑफिशियल शुद्ध हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही काउंसलिंग होगी, नीट में आपके जितने मार्क्स आए हैं उस हिसाब से ही आपकी काउंसलिंग होगी। कट ऑफ आपको मालूम ही होगा ओबीसी के लिए कितना है, 127 नंबर है, और जनरल के लिए कितना है, 162 मार्क्स है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है फॉर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज या यूनानी होम्योपैथिक यूपी डोमिसाइल इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं सेफर साइड अगर लेकर के चलूं तो 575 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो ये एक बार सोच सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल जाए, लेकिन 550 नंबर तक वाले बच्चे मेरे हिसाब से प्राइवेट कॉलेज को देखना शुरू कर दें। ठीक है, तो जिन्हें भी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करानी है उसके लिए सिक्योरिटी चार्जेस अलग होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, और उसके लिए यूपी का डोमिसाइल ज़रूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अगले पॉइंट में ये भी बताऊँगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यूपी का डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज रहते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, उन्होंने ये बोला है कि मान लीजिए आपका 10th या 12th, ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर यूपी से है, अगर आपने यूपी स्टेट से किया है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल नॉट रिक्वायर्ड, आपके पास अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10th या 12th किया है उत्तर प्रदेश से तो कोई बात नहीं, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि अगर 10th या 12th यूपी के बाहर से है, किसी भी अदर स्टेट से है, तो उनके लिए इन्होंने बोला है डोमिसाइल जरूरी है, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है अगर आपने 10वीं या 12वीं किसी दूसरे स्टेट से कर रखी है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से ही 10th या 12th किया है और वो 10th या 12th आपका एएमयू से है, एएमयू से अगर आपने 10th या 12th कर रखा है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो कॉलेज है एमबीबीएस का, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपने 10th या 12th एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो आपके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन कैटेगरी बन जाती है, रिजर्वेशन कोटा मिलता है उन बच्चों के लिए। पहले एएमयू अपना एग्ज़ाम अलग कराता था तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता था, जो बच्चे 10th या 12th यहीं से पढ़ते थे उनको चांसेस बढ़ जाते थे कि सीट मिल जाएगी एएमयू की या एएमयू के एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि अब इस इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एएमयू से 10th 12th करते हैं, और अगर वो आयुर्वेदा उत्तर प्रदेश में कोई प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मैंने आपको बता दिया, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 10th या 12th अगर उत्तर प्रदेश से ही किया है तो आपको डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, बनवा लिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेके जा सकते हैं। 10th या 12th उत्तर प्रदेश के बाहर से किया है, ज़रूरी नहीं है दोनों किया हो, अगर सिर्फ 10th भी किया है या 12th ही बाहर से करके आए हैं, 10th में तो यहीं रहते थे, 11th से पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो हम दूसरी जगह चले गए, 12th में वहाँ से करके आया हूँ या आई हूँ, तो आपके लिए निवास प्रमाण पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। उसके अलावा एएमयू से अगर आपने किया है तो भी डोमिसाइल होना जरूरी है।
अब डोमिसाइल का जो प्रारूप है किस तरह से बनेगा, ये आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से सबसे नीचे जाएंगे ये 14 पॉइंट्स के बाद, फिर एमएसएमडी के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसको भी खिसकाते जाएंगे और नीचे देखेंगे तो ये सारे ही प्रारूप, सिर्फ डोमिसाइल का नहीं, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या एनसीएल का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है या कोई और भी सर्टिफिकेट, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो कैसा होना चाहिए, तो ये सारे प्रारूप नीचे दे रखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज रिजर्वेशन कोटा एप्लीकेबल ओनली यूपी डोमिसाइल। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप लेने की सोच रहे हैं और कोई भी रिजर्वेशन आप पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के हैं। पहली बात तो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो रही है, दूसरी तरफ डबल ए ट्रिपल सी में अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, यूपी में गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो आप डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करें, ना कि यूपी की काउंसलिंग में। ये सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है या फिर उनके लिए है जो प्राइवेट का कॉलेज लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो दूसरे स्टेट से हों या सेम स्टेट से हों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उसमें भी ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर या रिटायर्ड आर्मी या एयरफोर्स या युद्ध में अपंग, मतलब कोई हाथ पैर टूट गया हो या कुछ ऐसा घटना घट गई हो, सेवा निवृत्त रिटायर हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं के सन या डॉटर या उनके भी सन या डॉटर, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट, तो उनके लिए सर्टिफिकेट एक जारी किया होगा गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो सर्टिफिकेट उसका प्रारूप कैसा होगा वो आप देख लीजिएगा और वो सर्टिफिकेट जो जारी किया होगा गवर्नमेंट ने वही लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास रखा हुआ है। और गवर्नमेंट भी समय समय पर अलग अलग चीज़ें निकालती रहती है कि अब ऐसा होना चाहिए अब ऐसा होना चाहिए, जो प्रारूप है किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग उनके नियम निकलते रहते। तो अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट चल रहा है, नियम मैंने नहीं यहाँ पर बताया है लेकिन नियम आप ऑफिशियल देख सकते हैं, उस नियम के तहत जो प्रारूप है उसी के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए तभी वो मान्य होगा। अदर स्टेट केंद्र शासित उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भारत सर्टिफिकेट नॉट एलिजिबल, साफ साफ मना कर दिया है कि कोई दूसरे स्टेट का होगा बना हुआ या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ होगा या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बना होगा तो वो भी मान्य नहीं होगा सर्टिफिकेट, ये साफ साफ मना कर दिया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ओबीसी एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेट, अब सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए है कि आपका ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है, ये ई नहीं सी है, ठीक है, एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब का बना होना चाहिए वो देख लो, तो यहां पर उन्होंने डेट मेंशन करी है 1 अप्रैल से 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 का बना होना चाहिए या उसके बाद बना होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो मान्य नहीं होगा, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैं यही कहूँगा कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही रखिएगा, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, हालांकि डोमिसाइल में खुद लिखा रहता है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि कितने समय तक वैलिड है, तो एस सच उन्होंने ऐसा नहीं दिया है कि डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट सब इस डेट के बाद का होना चाहिए, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इसके बाद का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल अगर इससे पहले का भी है या आपने लास्ट ईयर बनवाया है तो एक बार डेट देख लेना, उसमें खुद मेंशन होती है कि कितने साल के लिए मान्य है, तो ये चीज देख लेना उस हिसाब से वो आपका चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एलिजिबल ओनली इश्यूड बाय आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि जो भी
कोई ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो PW कैटेगरी के बच्चे हैं, या फिर CW मैंने डाला था, यानी कि विडो हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है वीडियो पे, आप देख लेना। वो सारे बच्चे आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ हॉस्पिटल्स बताए हुए थे कि वहाँ आप जाइए और जो भी आपकी डिसेबिलिटी है आप वहाँ पर बताइए, आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा, आपकी प्रॉपर जांच होगी, वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ मिलेगा और वही सर्टिफिकेट जो है आपकी काउंसलिंग में लगेगा। इसके अलावा आप कहीं से दिखा के आते हैं, किसी भी डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं, मुझे विजन का प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, कुछ मान्य नहीं है। सीधी सी बात है, उन्होंने साफ मना कर दिया है, हमने जो बताया था हॉस्पिटल्स वहीं से जारी होना चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है वैसा होना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं कि आप काउंसलिंग में गए और आपने बताया कि नहीं हम तो चल नहीं पाते, हमें देख लीजिए आप कि डिसेबल हैं, अब इसका क्या सर्टिफिकेट लाएं, तो ऐसा नहीं। सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय के द्वारा जो जारी हुआ है वही होना चाहिए, जो हॉस्पिटल्स बताए गए थे उन्हीं हॉस्पिटल्स का होना चाहिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। हिंदी में ये साफ साफ लिखा हुआ है, शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन या आश्रित पुत्र पुत्री पौत्र या पौत्री। अब ऐसी हिंदी लिख दी है कि बच्चे आजकल के तो मुझे नहीं लगता समझ पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा पौत्र और पौत्री क्या होता है। आप मान लीजिए ग्रैंड डॉटर है, आपके फादर नहीं, आपके फादर के फादर ही अगर मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक थे या स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके थ्रू भी आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। उसमें भी उन्होंने बताया है कि सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है वही मान्य होगा, ठीक है। आपके पापा या आपके पापा के पापा, यानी कि आपके बाबा या दादा जो भी आप कहते हो, अगर ये भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उसका भी रिजर्वेशन आपको मिल सकता है और वही सर्टिफिकेट लगेगा जो जिला अधिकारी ने इशू किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रिजर्वेशन साइंड बाय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा निर्गत तथा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्च अधिकारियों या DM के द्वारा। वही सेम चीज़ है कि सैनिक कल्याण बोर्ड भी होता है, उनके द्वारा भी ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ DM का नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, उन बच्चों के लिए जो 9th या 10th में NCC ले लेते हैं या टीचर्स ज़बरदस्ती दिला देते हैं, तो अगर उनके पास C सर्टिफिकेट या न्यूनतम B ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो उन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक ऐसी हिंदी लिखी है कि मेरे भी तोते उड़ गए और मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे भी लगता है किसी लेखपाल को या किसी ऐसे हिंदी वादी इंसान को, वैसे तो कहा जाए तो आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पे आपको मैं ऐसी हिंदी पढ़ करके बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके फादर लेखपाल हों, तो उनसे एक बार पूछिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इसमें लिखा है, विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मान्य नहीं होगा, उन्हें सुसंगत श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। अब इसका क्या मतलब है, प्लीज कोई फादर अगर इस बात को समझ पा रहा है तो प्लीज कमेंट में नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं फिर से पढ़ देता हूं, विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मान्य नहीं होगा, उन्हें सुसंगत श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। अब सुसंगत जाति मेरे समझ में नहीं आया कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना होगा, तो प्लीज़ एक बार इसे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं इसको सर्च करूँगा, थोड़ा पता करूँगा कहीं ना कहीं से, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, ID के रूप में आपको क्या क्या ले जाना है, ठीक है, ID प्रूफ। इन्होंने साफ साफ बोला है ID प्रूफ में आपका आधार होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड, वो ATM वाला नहीं, प्लास्टिक में जो बनवा लेते हैं ATM फॉर्म में, वो नहीं, पूरा बड़ा जो प्रारूप आता है ना डाकघर से आपके घर पे, वही ओरिजिनल लेके जाना। आधार के बाद इन्होंने बोला है बैंक पासबुक
और कौन सी विद फोटो, जिस पे फोटो लगी हो, देख लीजिएगा, अभी ढूंढ लीजिए अपनी पासबुक और देखिए। आजकल जो पासबुक आती है उसमें फोटो नहीं लगी होती है, वो डिजिटली निकलती है कंप्यूटर से और वैसे ही निकाल के दे देते हैं, उसमें फोटो नहीं होती, देख लीजिएगा। फोटो ना हो तो लगवा लीजिएगा और जाकर के स्टैंप लगवा लीजिएगा फोटो के ऊपर उस बैंक में जाकर के, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया है पासपोर्ट, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पासपोर्ट है, दुनिया घूमने का शौकीन है या रसिया जाना चाहता था इसलिए बनवा लिया, अब उत्तर प्रदेश में BMS करना पड़ रहा है, सॉरी, तो वो बच्चा जा करके अपना पासपोर्ट दिखा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है, बन जाएगा कुछ दिनों में, और अगर है तो अच्छी बात है, पैन कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो ID प्रूफ के रूप में आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेके जानी है। और लास्ट पॉइंट जो है, इन्होंने ऐसा बोला है कि आधार वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मान लीजिए आप पंजीकरण कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस वक्त आपका आधार वेरीफाई नहीं कर रहा है कंप्यूटर, हो सकता है सर्वर में एरर हो, नेटवर्क एरर हो, और उस वक्त अगर आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो घबराने की बात नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के नोडल सेंटर भी जाना है, तो वहाँ पर आधार आपका वेरीफाई फिर से किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखे हैं। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट आपके साथ एड ऑन कर देता हूँ। उस पॉइंट में मैं आपके साथ बताऊँगा फोटो के बारे में, ठीक है। फोटो, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारे पास तो वो फोटो है ही नहीं जो हमने नीट में लगाया था, वो फोटो सर पता नहीं अब हमने जल्दी जल्दी में कहाँ से क्लिक करवा के वहीं बनवा लिया था चार, अब वो है नहीं मेरे पास, तो काउंसलिंग में दूसरी अगर ले जाएं तो चल जाएगा क्या? तो पहली बात तो अगर आप ये पूछ रहे हैं चल जाएगा तो मैं कहूँगा नहीं चलेगा, लेकिन अब ये मजबूरी है आपकी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, काउंसलिंग से बाहर नहीं किए जाएंगे। कोशिश ये करना कि जहाँ से भी आपने क्लिक कराया वहाँ जाना, उनके डाटाबेस पे होगा तो उनसे बोलना कि ये फ़ोटो है, इस डेट को मैंने निकलवाई थी, प्लीज़ इसे निकाल दीजिए, और कम से कम 20 से 30 फ़ोटो निकलवा लेना, क्योंकि अभी काउंसलिंग में भी आपको 3-4 घंटे बैठेंगे, अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, वहाँ फ़ोटोज़ लगानी होंगी, है ना। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वेरीफाई हो रहे हैं, तो वहाँ कुछ फ़ोटोज़ आपकी जमा की जा सकती हैं। उसके अलावा जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ 4 से 6 फ़ोटो लगेंगी, तो फोटोज़ का बहुत काम है, और कोशिश यही करना कि वही फ़ोटो रहें, ठीक है, और अलग से फ़ोटो ना ही निकलवाओ तो अच्छी बात है। और आपके पास नहीं है पता कि वो वाला स्टूडियो कौन सा था या उसने डाटाबेस पे डिलीट कर रखा है, तो आप ये देखिएगा कि जो आपके नीट के फॉर्म में फ़ोटो लगी है कहीं से उसकी फ़ोटो वोटो ले करके उसको क्रॉप करके बोलना जा करके स्टूडियो में कि इसी तरह की फ़ोटो निकाल दो, ठीक है। बिल्कुल एकदम ब्लर नहीं होनी चाहिए, इतना हो कि हाँ मैच कर रहा हो, कल को ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में उन्हें समझ में ना आए और आपको बाहर कर दें कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप वही हैं जो नीट का एग्ज़ाम देकर गया है या आप वो वाले बच्चे हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके अलावा शायद, ठीक है, तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, जितनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा था चीज़ें वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा आप फिर यही पूछ रहे होंगे कि सर काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो देखो अभी प्रॉस्पेक्टस आया है तो आपके लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो मिलना चाहिए ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी ये सारी चीज़ें कम्प्लीट नहीं कर रखी हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि NCC का मेरा वो सर्टिफिकेट कहाँ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लगे होंगे कि कहीं से बन जाए, कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए, किसी का डोमिसाइल अभी नहीं बना होगा, तो अगर प्रॉस्पेक्टस आने के तुरंत बाद अगले दिन काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें कब बनवाएंगे आप, ठीक है। तो कुछ टाइम मिलता है 1 हफ्ते का, 6-7 दिन का, ताकि आप ये सारी चीज़ें रेडी कर लें, क्योंकि उसके बाद जब शेड्यूल आएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको हर दिन कुछ ना कुछ 1-1.5 महीने तक लगे रहना पड़ेगा, ठीक है।
कभी इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उधर पेमेंट हो रहा है, उसके बाद कॉलेज की लिस्ट आ गई, उसके बाद फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद फिर आपको नोडल सेंटर पे जाना है, नोडल सेंटर से फिर आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, उसके बाद वहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर आपने सोचना है कि सेकेंड राउंड पे जाना है कि नहीं जाना, वहाँ अपग्रेड कर दिया, फिर वही सारी प्रोसेस होगी, है ना, फिर से अपग्रेडेशन में फिर रिजल्ट आएगा, फिर नोडल सेंटर जाएंगे, फिर कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी देखना थक जाओगे करते करते, लेकिन एट दी एंड जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपके पेरेंट्स भी सुकून में हो जाएंगे कि चलो अब तो बच्चा 5.5 साल ठीक है अपनी लाइफ में जहाँ है अच्छा करेगा, और आप लोग भी थोड़ा ये हो जाएगा कि अब पेरेंट्स भी रिलैक्स हैं, परेशान नहीं है मेरे फ्यूचर को लेकर के, कोई बात नहीं, कुछ दिन और थोड़ा सा टेंशन में रह लो, घर पे हो कुछ और ताने सुन लो माँ बाप के, फिर उसके बाद तो आपके खुद के इतने स्ट्रगल होंगे कि वक्त ही नहीं होगा माँ बाप के ताने सुनने का, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई और ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों को कन्फ्यूज़न है जो मैंने यहाँ पर नहीं समझाया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज आज भी समझ में नहीं आ रहा है और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर कौन सा कॉलेज लें, 10 लोगों के वीडियो देखते हैं 10 प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं। एक रिसेंटली अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है, हालांकि बात मेरी पेड कन्वर्सेशन उसने मुझसे 1 महीने पहले लिया हुआ था, 1 महीने पहले ही मैंने उसे ये बात बताई थी, और आज फिर उसका मैसेज आया है कि सर मैंने काउंसलर को पैसे दे दिए थे और मैंने एक कॉलेज प्री बुकिंग करा लिया था, और उस वक्त मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता है, उसने मुझे समझा दिया और मैंने प्री बुकिंग के नाम पर उसे पैसे दे दिए। आज सर मैं कॉलेज विजिट कर रहा हूँ, आज मैं खुद देखने जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कॉलेज में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कॉलेज तो शहर से बहुत दूर है, और आज मैं उससे कह रहा हूँ कि नहीं मुझे वो कॉलेज नहीं लेना, मेरे पैसे वापस कर दो, तो काउंसलर कह रहा है नहीं पैसे तो वापस नहीं होंगे, फाइल बन चुकी है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, अब तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, अब तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देख रहे हैं किस तरह से मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। तभी हाल ही में ये चीज़ मेरे पास आई तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दें, तो कभी भी ऐसी जगह अगर फंस जाओ तो बताना, नीचे कमेंट करना, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस काउंसलर ने आपके पैसे ले रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो काउंसलिंग नहीं करेगा, काउंसलिंग करेगा, लेकिन बस ये कि पैसे वापस नहीं करेगा, पहले कोई और कॉलेज दिला रहा था, अब हो सकता है आप किसी कॉलेज की जिद करें तो आपको वो दिला देगा लेकिन आपके पैसे वापस नहीं करेगा, ये बात हकीकत है। मैंने उस वक्त भी उसे कहा था कि तुमने पैसे दे दिए हैं, अब मेरे से बात करके फ़ायदा क्या, मैं तुम्हें कॉलेज सजेस्ट भी कर दूं तो उससे क्या ही मतलब निकलेगा, पैसे तो तुम्हारे चले गए प्री बुकिंग के। कहता है अरे नहीं सर अभी दे के आया हूँ, ले लूँगा उनसे कल जा करके। मैंने कहा नहीं ले पाओ। कहता है अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो भाग थोड़ी जाएगा। लेकिन आज वही मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं समझा रहा हूँ लोगों को, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आओगे, लाइफ में एक्सपीरियंस कई बार गिरने के बाद समझ में आता है ना, वो कहते हैं ना कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तब याद आता है कि हेल्दी खाते तो कितना अच्छा होता है, नॉर्मल किसी को समझ में नहीं आता, नॉर्मल तो सब छोले भटूरे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, रोड साइड पे स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, लेकिन तब समझ में आता है जब बीमार होते हो। तो ये चीज़ आज नहीं समझ में आ रही है, जब किसी ऐसे कॉलेज में फंस जाओगे ना जो आपने सिर्फ यूट्यूब पर देखा है, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार हर्षित भैया सही कह रहे थे, उनसे अगर बात कर लिया होता तो 399 में क्या जाता। लेकिन चीज़ें तो समझ में आ जाती, आज तो वो चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं, किसी को अच्छा या बुरा कहना मेरा काम नहीं है, रियलिटी आपको एक आईना जो होता है वो दिखाना मेरा काम है, इसके अलावा बाकी आपकी लाइफ है, आपके पैसे हैं आप कहीं भी लगाएं, ठीक है ये आप पर डिपेंड करता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेड कन्वर्सेशन लेना चाहें तो पेड कन्वर्सेशन भी ले सकते हैं, या इसके अलावा काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको नहीं मालूम है, पर्सनल अगर मेरे से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर उसके चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। और ये अकेला ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर पहले आपको कॉलेज दिलाया जाएगा, उसके बाद आपसे काउंसलिंग के पैसे लिए जाएंगे, कोई प्री बुकिंग नहीं है, कोई एडवांस चार्ज नहीं है, कोई 50% नहीं है कि आधा पहले दो आधा कॉलेज मिलने के बाद, कुछ नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस भेजना, उसके बाद अपनी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी कराना, जिस दिन कॉलेज अलॉट हो जाए एडमिशन हो जाए उसके बाद आपका मन करे तो पैसे दे देना, और अगर भागना चाहो तो भाग जाना, मैं पीछे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, उसके अलावा नीचे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे,
और वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।